इस आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देख के ना पाकिस्तान के तोते उड़ गए भैया, बिल्कुल शॉक्ड हो। ऊपर से जो लाइव व्यूअरशिप थी, सोचो कि 33 या कितने करोड़ व्यू, 33 से ज्यादा करोड़, हाँ 35 करोड़ व्यूज तो हाँ जियो सिनेमा पे हो चुके थे। हाँ और उसके अलावा लगा लो स्टार स्पोर्ट्स पे जो देख रहे होंगे अलग स्टेडियम अलग वगैरह जगह, में भी भाई इतने साहब लोग इतनी व्यूअरशिप देख के ना वो हैं। तो हैरान हो चुके पाकिस्तानी। हाँ तो देखते हैं पूरी वीडियो, क्या कुछ कहना है पाकिस्तानी मीडिया का आईपीएल की सेरेमनी और आईपीएल को लेकर। 1 2 3 गो। अबे भाई, 33 करोड़, 33 करोड़ लाइव जियो सिनेमा की व्यूअरशिप, मतलब अबे ये कहां से लाए हो भाई? इतनी तो हमारी आबादी नहीं है कसम से। 33 करोड़ लोग, अबे 33 करोड़ लोग एक सिंगल टाइम में देख रहे हैं भाई, मैं क्या बोलूं क्या? और ये जो 37-38 करोड़ सिर्फ जियो सिनेमा पे थे, फिर स्क्रीन पे अलग थे, पता नहीं, यानी मैं ऐसे कर लूं कि 60 करोड़, चलो कम करके 50 करोड़, ये 50 करोड़ लोग अगर आईपीएल का ओपनर फॉलो कर रहे थे तो इसकी सबसे पहली वजह धोनी थे, उसके बाद विराट कोहली थे। $12 बिलियन से ब्रांड वैल्यू हो गई आईपीएल की, $12 बिलियन यार, मतलब वन कांट इमेजिन कि आपका टोटल जो है ये क्वालिटी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बहुत अच्छी है। ये इवन जो है आईपीएल आईसीसी से शायद बड़ा होता है, आपका पूरा पीएसएल के ब्रॉडकास्ट जितने में था 100 कितने करोड़ के अंदर, उसमें एक मैच हो रहा है। इसको 35 करोड़ लोगों ने जो है जियो सिनेमा के ऊपर लाइव देखा है, 35 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा के ऊपर इस मैच को लाइव देखा। यार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा। वो इधर एक आदमी ने कहा था कि वो रिजवान धोनी जैसा है, वो 40 करोड़ लोग देखते हैं उनके मुंह पे लगाओ धोनी पहले, 40-40 करोड़ देखते हैं जियो जियो सिनेमा में। दैट सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल in promoting the league and the merchandising and all, we still haven't seen the PSL. We need to build on it on the PSL, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, इंडिया खुद है, 6-7 बड़े कंट्री के प्लेयर यहीं पे आके खेल रहे हैं, वो तमाम टॉप प्लेयर्स, ह्यूज बिजनेस इन्वॉल्व है, पैसा नहीं बोलूंगा, बिजनेस इन्वॉल्व है भाई, बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, बहुत पैसा लगा है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, स्टेडियम राइट्स हो, जो कुछ भी है। 33 करोड़ लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं। अबे खुद सोचो भाई, ये 133 करोड़ लोगों में से 33 करोड़ बंदे लाइव बैठ के ये मैच देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है भाई? मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी और मेरी ओपनिंग सेरेमनी देख के फट के हाथ में 16-17 साल हो गए। ग्रेजुअली आपने इसको ब्रांड को बढ़ाया है, कम नहीं होने दिया, टीम्स भी बढ़ाई, 10 टीम्स खेल रही है, 74 गेम्स हैं, और जो टाइम रखा है फ्रेम, उसमें कोई क्रिकेट, बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं हो रही होती है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइम पे कोई भी बड़ी क्रिकेट नहीं होती है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, इंडिया खुद है, 6-7 बड़े कंट्री के प्लेयर यहीं पे आईपीएल खेलते हैं ना, वो तमाम टॉप प्लेयर्स, ह्यूज बिजनेस इन्वॉल्व है, पैसा नहीं बोलूंगा, बिजनेस इन्वॉल्व है, और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, स्टेडियम राइट्स हो, जो कुछ भी है, ये इवन जो है आईपीएल आईसीसी से शायद बड़ा होता है। पहला मैच है, और जो ब्रांड की बात की आपने, वैल्यूज की बात की, बिगेस्ट ब्रांड तो इसमें कोई डाउट थोड़ी है, आईपीएल तो बहुत यार, $12 बिलियन से ब्रांड वैल्यू हो गई आईपीएल की, $12 बिलियन यार, मतलब वन कांट इमेजिन कि आपका टोटल जो है ये और ये जो 37-38 करोड़ सिर्फ जियो सिनेमा पे थे, फिर स्क्रीन पे अलग थे, पता नहीं, यानी मैं ऐसे कर लूं कि 60 करोड़, चलो कम करके 50 करोड़, ये 50 करोड़ लोग अगर आईपीएल का ओपनर फॉलो कर रहे थे तो इसकी सबसे पहली वजह धोनी थे, उसके बाद विराट कोहली थे। वो इधर एक आदमी ने कहा था कि वो रिजवान धोनी जैसे, रिजवान बोले 40 करोड़ लोग देखते हैं उनके मुंह पे लगाओ धोनी पहले, 40-40 करोड़ देखते हैं जियो जियो सिनेमा में। अबे भाई, 33 करोड़ लाइव जियो सिनेमा की व्यूअरशिप, मतलब अबे ये कहां से लाए हो भाई? इतनी तो हमारी आबादी नहीं है कसम से। 33 करोड़ लोग, अबे 33 करोड़ लोग एक सिंगल टाइम में देख रहे हैं भाई, मैं क्या बोलूं क्या? और कितनी जबरदस्त तरीके से, मैं बोलूंगा यहां पर भाई, ओपनिंग सेरेमनी हुई है, पहले तो हैट्स ऑफ टू भाई आईपीएल मैनेजमेंट, क्या जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी की है, और इस ओपनिंग सेरेमनी से हमें सीखना चाहिए भाई, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, ये देखो खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, ये बेगैरती करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें बर्नोल के पैकेट के इस टाइम पे जरूरत होता है, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में जो है वो जलन होती है, लेकिन जलन से तुम जलन को छोड़ो, तुम सीखो। अबे भाई, अभी चंद्रयान का उन्होंने पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट किया, जो उन्होंने किया था पिछले साल, आपको याद है ना, पूरा एक मून लेके आया, उसके ऊपर वो चंद्रयान लैंड कर रहा है, मतलब पूरा सीन, क्योंकि वो उनके पास प्राउड मोमेंट है भाई। हम पाकिस्तान के पास कौन सा प्राउड मोमेंट है कि हम वो पेश करें कि भाई हमने ये किया है, हमने दुनिया फतेह कर दी, हमने ये कर लिया। अबे भाई, कसम से हमारे पास बर्नोल का बजट है नहीं, और यहाँ पे 33 करोड़ लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं।
अबे खुद सोचो भाई, ये 133 करोड़ लोगों में से 33 करोड़ बंदे लाइव बैठ के ये मैच देख रहे हैं, हो क्या रहा है भाई? मतलब हर किसी ने बंदा मोबाइल पे पकड़ा हुआ है भाई। हमारे पाकिस्तान में एक तो आईपीएल आ नहीं रही, मैं पैसे भर के जो है यहाँ पर आईपीएल देख रहा हूँ, क्योंकि खुद सोचो ये आईपीएल पाकिस्तान में जो मतलब आ रही है जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, इस पे मैं क्या ही बोलूँ आपको, इस पे मैं क्या ही बोलूं इस आईपीएल को भाई, क्योंकि खुद सोचो ये आईपीएल पाकिस्तान में हो रही है, लोग जो है बड़े खुश हैं कि भाई पाकिस्तान में भी आईपीएल हो रही है, लेकिन भाई जितना मोटा पैसा मैंने दिया मुझे पता है, और ओपनिंग सेरेमनी मैंने देखी है, मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी और मेरी ओपनिंग सेरेमनी देख के फट के हाथ में, यहाँ पर आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखो ना तुम्हें पता चलेगा कि वाकई इंडियन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी है। हम यहाँ पर पीएसएल में सिर्फ मुद्रा चला देते हैं, ये हमें पता नहीं होता कि पाकिस्तान की है युगांडा की है, सिर्फ हमने जो है म्यूजिक चलाना होता है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अगर बात करते तो भाई क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है भाई, सोनू निगम ने जो आपका वंदे मातरम गाया है और जो जनमन गण गाया है, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो परफॉर्मेंस थी, टाइगर श्रॉफ जो झंडा लेकर नीचे उतर रहे थे, मतलब भाई पता चल रहा था कि इंडिया का कोई जो है इवेंट हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में पता चल रहा था कि हम इथियोपिया में जाकर जो उनका कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम देख रहे हैं, क्योंकि भाई ना पाकिस्तान के झंडे आपको नजर आ रहे हैं, ना पाकिस्तान का कौमी तराना आपको नजर आ रहा है, ना ही दिल दिल पाकिस्तान, अब यहाँ पर क्यों दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया भाई, दिल दिल पाकिस्तान यहाँ पर क्यों नहीं बजा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बड़ा मसला था ना वर्ल्ड कप में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया, अबे भाई अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो आईपीएल में आज जो ओपनिंग सेरेमनी हुई जिसके अंदर एआर रहमान की परफॉर्मेंस, अक्षय कुमार, जिसके अंदर सोनू निगम, जिसके अंदर आई थिंक पायल मुच्छल भी थी भाई, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार थे, और 233 करोड़ रुपीज है वो इस इवेंट के अंदर लगाए गए, ये कोई मजाक नहीं है, 230 करोड़ पाकिस्तान की कुल जीडीपी होगी भाई, जितना यहाँ पर आईपीएल की सिर्फ एक ओपनिंग सेरेमनी में तुम लोगों ने लगा दिया ना, ये इंडिया वालों को बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन भाई आपको मजा आ रहा है, हमारे दिल जल गए, हमारे दिलों में से आंसू निकल रहे हैं, हमारे खून के आंसू हो रहे हैं, साला 233 करोड़ लगाए तो लगाए कैसे भाई, हमने इतना पैसा कभी जिंदगी में नहीं देखा, इतने में तो हमारे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है वो 2-4 साल तक बड़े सुकून से खा पी सकती है, तुमने 233 करोड़ एक ही सीजन की ओपनिंग सेरेमनी में लगा दिए, अभी तो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के अलावा बोलूंगा खत्म ही नहीं हुआ भाई मैच, ये पहला मैच आईपीएल का और पहले मैच के अंदर आपने इतना पैसा लगा दिया, और ग्राउंड में देखते हो तो ऑल ओवर द ग्राउंड भाई जो येलो कलर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 55,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की, और उसके बाद जब आप देखते हो तो भाई 55,000 लोग स्टेडियम के बाहर बैठे, इतना बंदे लाते कहां से हो, इतना बंदे कहां से लेके आते हो भाई, हमारे पास तो नहीं है इतने बंदे, मतलब खुद सोचो अजीबो गरीब सी पाकिस्तान की आवाम हो गई है भाई, आज मेरे को आईपीएल देख के यकीन करो शर्मिंदगी हो रही है हमारे ऊपर, आज पाकिस्तान के ऊपर शर्मिंदगी हो रही है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, इतने सालों से हमें अली जफर का जो है ये गाने सुनाए जा रहे हैं, हमें आरिफ लोहार को लेके आ जा रहे हैं, हमें फवाद आलम लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि ओपनिंग सेरेमनी होती कैसे, वो तो आज मैंने देखी है भाई, ओपनिंग सेरेमनी में कम से कम बंदा अपने मुल्क को तो रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ग्राउंड में देखो तो भाई 3D स्ट्रक्चर में जो है शानदार तरीके से इंडिया गेट बनाया हुआ था, इंडिया के बहुत ताजमहल बनाए हुए थे, इंडिया के बहुत बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाए हुए थे भाई, इससे पता चलता है कि ये इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी है, ये युगांडा इथियोपिया की नहीं है भाई, हमारी पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी देखते हो तो भाई पता नहीं ये चाइना की है, इथियोपिया की है, युगांडा की है, पुर्तगाल की है, कहां की ओपनिंग सेरेमनी, हमें पता ही नहीं चल रहा था, हम 3 करोड़ नहीं लगा सकते ओपनिंग सेरेमनी के अंदर पाकिस्तान में, और यहां पर ये 233 करोड़ लगा के बैठे हैं भाई, जितनी तारीफ करो कम है, वेल डन इंडिया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए हिंदुस्तान की कम है, अब आप अगर उसका भाई तो सही बोला इसने, मतलब कि पाकिस्तान की पीएसएल के चर्चे होते ही नहीं है पूरी दुनिया में, अगर ऐसे 7-8-10 लाख है इतने का तो जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं देखो क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तो कल का मैच तो मैं कहूंगा एक तरफा ही हो गया था एक तरीके से, लेकिन अभी तो थ्रिलर कॉन्टेस्ट भी आएंगे, सुपर ओवर काइंड ऑफ भी माहौल हो जाता है, बहुत चीजें होती है, तो अभी तो शुरुआत है, और ओपनिंग सेरेमनी भाई गजब थी, नजारे ही अलग थे, और उस शो में जो देखो सीट्स के ऊपर भी लाइटिंग हुई थी, वो भी बहुत गजब नजारा था, लेकिन देखो पाकिस्तान में दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है उनके बोर्ड के पास इतना कि वो बड़े लेवल पर इतना ऑर्गेनाइज कर सके सेरेमनी भी और वो सब चीज़ें, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो क्रिकेट खेलने बहुत लिमिटेड क्रिकेट अब वहां पर हो रही है, वहां के लोग खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है वहां पर स्टेडियम में जाने के लिए, आपने देखा होगा पीएसएल खाली पड़े थे स्टेडियम, उससे महंगी टिकट्स है, अब लोगों को ये रहता है कि हम अपना राशन खरीदे जो बेसिक राशन है या हम टिकट्स खरीदे, आपने किस किस ने पूरा मैच देखा था दोस्तों जरूर बताना, बाकी जय हिंद जय भारत लिखना, कहां से देख रहे हो आप ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, बाय बाय, टेक केयर।